फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11 की जो हिस्ट्री की बुक है, इतिहास की बुक हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की, उसका चैप्टर नंबर 3, जिसका हमारा टाइटल है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो मैं उसी की आज एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ एंड ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं काफ़ी टाइम पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और इतने टाइम के बाद पार्ट 2 आ रहा है बिकॉज स्टूडेंट्स के बीच में एग्जाम आ गए थे। तो जो एग्ज़ाम होता था उसी की मैं वीडियो अपलोड कर रही थी, क्योंकि इस स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि मैम उसकी अपलोड करिए, जो जो एग्ज़ाम होता था तो मैं उसी की अपलोड कर रही थी वीडियो। तो डैट्स वाई मैं लेट हो गई पार्ट 2 अपलोड करने में एंड आज फाइनली मैं पार्ट 2 लेके आ गई हूँ। अगर आपने पार्ट 1 देख रखा है इसका तो बहुत अच्छी बात है एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एंड मैं साथ ही कमेंट में भी पिन कर दूंगी लिंक पार्ट 1 की, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चैप्टर समझ आएगा और कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एंड मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो हमारा पार्ट 2 है, मैं कोशिश करूँगी कि वो हमारा पार्ट 2 जो है वो 101% हमारा लास्ट पार्ट हो, इसके बाद कोई और पार्ट ना आए और इसमें ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा टॉपिक आता है जो पार्ट 2 में हमें पढ़ना है, रोमन साम्राज्य का विस्तार। तो मैंने सारे बेसिक जो था वो मैंने आपको पार्ट 1 में बता रखा है। मैंने क्या बताया था कि जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य वो है हमारा रोमन साम्राज्य, ठीक है। और वो रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीप कौन कौन से, 3 महाद्वीप मतलब महाद्वीप कहते हैं कॉन्टिनेंट को, तो किन 3 कॉन्टिनेंट में हमारा रोमन साम्राज्य आपको याद रखना है, यूरोप में, उत्तरी अफ्रीका में और पश्चिमी एशिया में। इन तीनों कॉन्टिनेंट में हमारा रोमन साम्राज्य जो है फैला हुआ है, ये बहुत ज़्यादा विशाल साम्राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इस पार्ट का, फर्स्ट टॉपिक, वो यही है कि रोमन साम्राज्य का जो आर्थिक विस्तार है वो किस प्रकार हुआ। तो रोमन साम्राज्य का जो आर्थिक विस्तार है वो ऐसे ही हुआ क्योंकि रोमन साम्राज्य में जो है ईंट के भट्टे, बंदरगाह, खाने, खदाने, जैतून का तेल के कारखाने, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, बहुत ही अधिक मात्रा में हुआ करती थी। इसी वजह से वहाँ का आर्थिक विस्तार था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। और वहाँ पर असाधारण उर्वरता के क्षेत्र भी थे और क्या था, बैंकिंग व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, धन का व्यापक रूप से प्रयोग था। तो ये सारी चीज़ें क्या थी वहाँ पर, एकदम हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक तरीके से थी और एकदम जितनी होनी चाहिए उतनी थी, मतलब बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध थी वहाँ पर ये सारी चीज़ें। तो इसलिए वहाँ का जो आर्थिक विस्तार है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और उसका ढांचा भी मजबूत था। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि तरल पदार्थ कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे हो गए लिक्विड वाली चीज़ें। अब वहाँ पर कौन कौन सी लिक्विड वाली चीज़ें होती थी, एक तो वहाँ पर अनाज का, जैतून के तेल का और अंगूरी शराब का। तो इन तीनों का जो है व्यापार बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में हुआ करता था। तो तरल पदार्थ में हमारे अंगूरी शराब आ गई और एक जैतून का तेल आ गया। तो ये सब तरल पदार्थ जो हो गए हमारी लिक्विड वाली चीज़ें, उनकी धुलाई जिन कंटेनर में की जाती थी ना, ठीक है, जिन कंटेनर में उनकी धुलाई की जाएगी उसको क्या नाम दिया गया, उसको एम्फोरा कहा जाता था, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, मतलब उस कंटेनर का क्या नाम दे दिया गया, एम्फोरा, मतलब जिस भी लिक्विड वाली तरल पदार्थ की धुलाई होगी ना जिस कंटेनर में, उसको बस एम्फोरा ही कहा जाता था, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट में हमारा यह है कि उस स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल, अब जो जैतून का तेल का उत्पादन था वो स्पेन में बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में होता था। जो स्पेन था ना, स्पेन सबसे फर्स्ट, हम कह सकते हैं स्पेन सबसे पहले नंबर पे आ गया था जैतून के तेल के उत्पादन में, ठीक है। उसकी जगह किसी ने भी नहीं ली थी, लेकिन बाद में एक कंट्री ने फिर उसकी जगह ले ली थी, बट जो सबसे अच्छा उत्पादन होता था जैतून के तेल का वो स्पेन में होता था। तो जो जैतून का तेल के उत्पादन होता था स्पेन में, तो वो जिस कंटेनर में होता था जैतून का तेल, जिस कंटेनर में उत्पादन होता था उसको ड्रेसल 20 नाम दिया गया, ठीक है। अब आप ये याद रखिएगा कि ड्रेसल 20 कहा जाता था जैतून के तेल के कंटेनर को। अब साइड में हमारा टॉपिक है रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण। तो श्रमिक किसे कहते हैं, बेसिकली श्रमिक कहते हैं मजदूर को। तो मजदूरों पर किस तरह से नियंत्रण था रोमन साम्राज्य में, उसी के बारे में जानते हैं। तो दासता की मजबूत जड़ें पूरे रोमन साम्राज्य में फैली हुई थी, यानी कि दास जो हैं वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हुआ करते थे रोमन साम्राज्य में। हम देखें तो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में दास ही मिलते थे। दास किसे कहते हैं, दास बेसिकली कहते हैं नौकर टाइप के होते हैं दास, गरीब होते हैं जो कि मजदूरी करते हैं उसको ही कहते हैं दास, ठीक है। श्रमिक, दास एक ही चीज़ है, ठीक है।
अब क्या है सेकंड पॉइंट में, इटली में 75 लाख की आबादी थी, मतलब इतनी 75 लाख की आबादी है इटली में, तो उसमें से 30 लाख जो है वो दास ही हुआ करते थे। ठीक है, इतनी ज़्यादा अधिक मात्रा में दास थे कि इतनी आबादी में से आधी आबादी तो पूरी दास की ही है। ठीक है, 30 लाख दास हैं 75 लाख की आबादी में से। अब दासों की जो पूंजी निवेश का दर्जा प्राप्त था, दासों को क्या था, पूंजी निवेश भी दिया जाता था। अब उच्च वर्ग के जो लोग थे वो उच्च वर्ग के लोगों द्वारा अश्रमिकों एवं दासों से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। मतलब जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो अमीर लोग थे, हम जिसको कह सकते हैं जो अमीर अमीर हुआ करते थे उच्च वर्ग के लोग, वो दासों से, श्रमिकों से, जो मजदूर लोग हुआ करते थे, दास हुआ करते थे, उनसे वो बहुत ज़्यादा क्रूरता से मतलब बिहेव करते थे, बहुत ज़्यादा मैनरलेस हम कह सकते हैं, और बहुत गंदी तरीके से उनसे एकदम जलन, चिड़चिड़ापन, एकदम क्रूरता भाव से वो उनसे बात करते थे, उनसे एकदम ऐसे अपना भाव जो है अपना बहुत गंदा रखते थे दासों के प्रति। ठीक है, क्रूरता वाला भाव रखते थे। अब जो उच्च वर्ग के लोग थे तो वो तो ऐसे लगते थे, लेकिन जो साधारण लोग थे वो बहुत ज़्यादा दासों के प्रति हमदर्दी रखते थे, वो उनसे अच्छे से बिहेव करते थे दासों के प्रति, जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे। ग्रामीण लोग क्षणग्रस्तता से जूझ रहे थे, दासों के प्रति व्यवहार सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित था। ठीक है, दासों के प्रति जो व्यवहार था वो सहानुभूति पर नहीं था, बल्कि जो हिसाब किताब हुआ करता था उस पर वो उनका जो व्यवहार था वो उस पर हिसाब किताब पर आधारित हुआ करता था। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है रोमन साम्राज्य में सामाजिक ऋण या प्रारंभिक राज्य। तो इसके बारे में हमें समझना है कि रोमन साम्राज्य की जो सामाजिक ऋणियाँ थीं वो किस प्रकार थीं। तो आप ये याद रखिए कि चार वर्ग हुआ करते थे। एक था सेनेटर, सेनेटर मतलब सेनेट जो होते हैं। ठीक है, सेनेट के बारे में मैंने आपको बता भी रखा होगा पार्ट वन में। तो सेनेट हुआ करते थे जो कि जो राजा होते थे ना, राजा को भी सेनेट की बात माननी पड़ती थी, मतलब हम कह सकते हैं राजा से भी ऊँचे हुआ करते थे सेनेट। ठीक है, तो सेनेट सबसे अमीर हुआ करते थे, अभिजात वर्ग में आते थे। अभिजात वर्ग किसे कहते हैं, जो कि ताकतवर वर्ग होता है और अमीर होता है जो। ठीक है, अमीर वर्ग बेसिकली कहते हैं अभिजात वर्ग को। अब सेकंड है अश्वारोही, अश्वारोही में नाइट आ गए। ठीक है, अब नाइट किसे कहते हैं, नाइट के बारे में आप अपना चैप्टर नंबर 6 है ना हिस्ट्री का, क्लास 11 का जो चैप्टर 6 है हिस्ट्री का, जिसका नाम है तीन वर्ग, उसमें आप नाइट के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी आपको मैं बेसिकली ये बता देती हूँ कि जो नाइट हुआ करते थे वो एक तरह से घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे। ठीक है, जो नाइट थे वो एक घुड़सवार सैनिक थे। ठीक है, तो वो अश्वारोही में आ जाते थे, और ये भी एक अभिजात वर्ग यानी कि अमीर वर्ग में आता था। अश्वारोही भी और सैनेट भी, दोनों ही अभिजात वर्ग में आते थे। अब ये जो लास्ट के दो हैं, एक फूहड़ और एक दास, दास तो आप जानते ही हैं जो कि थोड़े गरीब होते हैं, और फूहड़ भी ऐसे होते थे जो कि नॉर्मल हम जिनको कह सकते हैं थोड़े गरीबी कैटेगरी में होते थे वो भी। ठीक है, निम्न वर्ग में होते थे, निम्नतर वर्ग फूहड़ आता था और दास भी निम्न वर्ग में आता था। तो फूहड़ कौन होते थे, फूहड़ यहाँ पर लिखा हुआ भी है, निम्नतर वर्ग होता था जो कि निम्नतर वर्ग में क्या कौन होते थे, फूहड़ सर्कस दिखाने वाले, थिएटर में जो काम करते थे, या फिर तमाशा दिखाने वाले जो होते थे निम्नतर वर्ग में जो आते थे नीचे वाली कैटेगरी में, वो फूहड़ हुआ करते थे। अब दास तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे कि जो दास हैं वो गुलाम हुआ करते थे, मजदूर हुआ करते थे, जो कि गांव में रहते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, श्रमिक हुआ करते थे। ठीक है, और खेती बाड़ी ज़्यादातर करते थे। तो ये सब हैं दास, आई होप आप समझ गए होंगे। सेनेटर और अश्वारोही जो कि अमीर वर्ग में आते थे। सेनेटर में क्या लिखा हुआ है, सेनेटर किसे कहते हैं, जो कि सेनेट के सदस्य हुआ करते थे वो सेनेटर हैं। ठीक है, जो सेनेट के सदस्य हुआ करते थे वही सेनेटर, सेनेट और सेनेटर सेम है बिल्कुल। ठीक है, और ये कौन हुआ करते थे सेनेट, अमीर लोग थे, जमींदार हुआ करते थे, ताकतवर थे, अभिजात वर्ग थे, अभिजात वर्ग मतलब जो कि अमीर वर्ग हुआ करता था। तो ये सेनेटर और अश्वारोही दोनों ही अमीर वर्ग में आते थे, अभिजात वर्ग में आते थे। ठीक है, और फूहड़ और दास ये दोनों ही निम्न वर्ग में आते थे, जो कि थोड़े गरीब ही हुआ करते थे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है रोमन साम्राज्य में पुराकाल की विशेषताएं। तो इसके बारे में समझते हैं कि रोमन साम्राज्य में किस प्रकार की विशेषताएं थी पुराकाल की। तो रोमन साम्राज्य में रोमवासी जो थे वो बहुदेववादी थे। बहुदेववादी मतलब जो कि बहुत सारे हम कह सकते हैं देवी देवताओं को मानते थे।
ठीक है, जैसे कि लोग जुपिटर, जूनो, मिनर्वा तथा मार्क्स जैसी देवी देवताओं की पूजा करते थे। देखो वही बात आ गई, मैंने आपको बताया कि बहुदेवादी कौन थे, जो कि बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे। अब ये देवी देवताओं के नाम लिखे हुए हैं, लोग जो थे जुपिटर को, जूनो को, मिनर्वा को और मार्क्स जैसी देवी देवताओं को, इन सबको पूजा करते थे, ठीक है, रोमन साम्राज्य में, रोमवासी जो थे। अब यहूदी धर्म रोमन साम्राज्य एक अन्य बड़ा धर्म था। अब जो यहूदी धर्म था उसको बहुत ज़्यादा, उसकी वैल्यू थी रोमन साम्राज्य में, उसको बहुत ज़्यादा माना जाता था, तो ये एक बड़ा धर्म कहलाया जाता था यहूदी धर्म। सम्राट डायक्लोशियन एक सम्राट था जिसका नाम था डायक्लोशियन, ये आपको याद रखना है, थर्ड पॉइंट में है। जो राजा था, सम्राट किसे कहते हैं, राजा को, राजा जो डायक्लोशियन था उसके द्वारा सीमाओं पर किले बनवाना, उसने बहुत सारे काम करवाए डायक्लोशियन ने, उसने किले बनवाए, उसने उसका रोमन साम्राज्य को काफ़ी हिस्सा दोबारा से तोड़कर फिर से रीमेक करवाया, मतलब दोबारा से बनाया, पुनर्गठन किया, ठीक है, तो और किले विले बनवाए, काफ़ी उसने काम किया था, किसने, सम्राट डायक्लोशियन ने। फिर सम्राट, उसके बाद सम्राट डायक्लोशियन के बाद कौन सा सम्राट आया, फिर सम्राट आया कॉन्स्टेंटाइन। ये नाम थोड़े आपको अजीब लग सकते हैं, हार्ड भी हैं, बट आपको याद तो रखने ही हैं। तो फिर डायक्लोशियन के बाद कौन सा आया, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन आया। इसने क्या करा, इसने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय ले लिया। इसने क्या करा, इसने बोला कि मैं फैसला ले रहा हूँ कि ईसाई धर्म जो होगा वो राजधर्म बनेगा यहाँ का, रोमन साम्राज्य का जो राजधर्म होगा वो ईसाई धर्म होगा। अगर कोई और व्यक्ति है जो किसी और धर्म को मान रहा है तो वो मानो, लेकिन जो राजधर्म होगा वो ईसाई धर्म ही कहलाया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में, साम्राज्य के पश्चिमी भाग में उत्तर से आने वाले समूहों गोथ, बेल्डर तथा लोम्बार्ड आदि ने बड़े प्रांतों पर कब्जा करके रोमोत्तर राज्य स्थापित कर लिए। अब क्या हुआ, साम्राज्य का जो पश्चिमी भाग था उसको जो है रोम के उत्तर राज्य को स्थापित कर लिया, यानी कि उस पर कब्जा कर लिया अपना, ठीक है। अब बेसिकली इस पॉइंट में यही बता रहे हैं कि जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन था उसने क्या किया, उसने पहले तो ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय लिया, फिर उसने जो है जो साम्राज्य का जो पश्चिमी भाग था, जो जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं जो रोम का जो उत्तरी भाग था, रोम उत्तर मतलब रोम का जो उत्तरी भाग था उसका जो भी राज्य था ना, रोम का उत्तरी भाग का जो भी राज्य, उसको उसने स्थापित कर लिया, ठीक है, मतलब उस पर जो है उसने स्थापित कर लिया अपना अपना मतलब अधिकार जमा लिया और प्रांतों का पुनर्गठन किया। मतलब मैंने जैसे कि आपको बताया कि हर चीज़ उसने क्या करी थी, ज़्यादातर मैक्सिमम चीज़ें टूटवा दी, तोड़वाई और फिर दोबारा से पुनर्गठन किया, यानी कि दोबारा से बनवाई उसने, ठीक है। सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग किया, इसने क्या किया कॉन्स्टेंटाइन ने, सैनिक के काम और असैनिक, जो सैनिक नहीं थे उन लोगों के काम, सबके काम अलग किए कि सैनिक जो ये वाला काम करेंगे और जो सैनिक नहीं हैं वो असैनिक हुए तो वो ये वाला काम करेंगे, तो उनके काम को बांटा गया, ठीक है। इस्लाम का विस्तार हुआ, प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति। अब क्या हुआ, अब आप इस्लाम का विस्तार हुआ मतलब क्या हो गया था, जो सातवीं शताब्दी आई थी, छठी शताब्दी में लास्ट में क्या हुआ था, सातवीं शताब्दी में हम कह सकते हैं छठी शताब्दी में, उस टाइम जो है इस्लाम का बहुत ज़्यादा विस्तार होने लगा था, इस्लाम जो इस्लाम धर्म है वो आने लगा था और लोग मुस्लिम हो रहे थे, मुसलमान बनने लगे थे, और प्राचीन विश्व यानी कि जो इतिहास है उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति इसको माना गया था, क्योंकि इस्लाम का बहुत ज़्यादा तेजी से विस्तार होने लगा था, तो इसको बहुत बड़ी राजनीतिक क्रांति बोला गया था, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे ये पॉइंट्स, क्या क्या हुआ था रोमन साम्राज्य के पुराकाल की विशेषताओं में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दास प्रजन, तो इसके बारे में समझते हैं ये क्या थे। दास तो आप जानते हैं, दास कौन होते थे, जो कि गुलाम होते थे, तो वही है दास प्रजन का मतलब यही है कि जो गुलाम हुआ करते थे उसके बारे में समझते हैं क्या दे रखा है। गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, अनेक बच्चे भी आगे चलकर दास ही बनते थे। बेसिकली यहाँ पर क्या बता रखा है आप ध्यान से सुनिए और समझिए, दास प्रजन का मतलब पता ही क्या होता है, दास प्रजन का मतलब ये होता है कि जो दास थे, दासों की संख्या बढ़ाने लगी, मतलब दास कौन होते थे, जो कि गुलाम होते थे, मजदूर होते थे, अब दासों की जो है संख्या उन्होंने सोचा, सम्राटों ने जो भी बड़े बड़े हुआ करते थे उन्होंने सोचा दास जो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, अब दासों में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है, अब दासों की संख्या बढ़ाओ, तो अब वो क्या करते थे, वो ये कहते थे
जो दास के मतलब जो दास है ना अभी बड़े बड़े माता पिता हैं जो भी मतलब वो बच्चे अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें ताकि जो उनके बच्चे हैं वो भी दास ही बन सकें, ठीक है। तो ऐसा मतलब ऐसा चलन था कि उनके मर्दों को और दासियों को जो भी हुआ करती थी उनकी मतलब वाइफ और हस्बैंड दोनों को यही बोला जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो ताकि जो बच्चे हों वो भी दास ही बन सकें, क्योंकि उनके माता पिता दास होंगे तो वो भी दास ही बनेंगे। तो इसलिए दास को बढ़ाने की प्रक्रिया में उन्होंने यही बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा दास बनेंगे, जो भी बच्चे पैदा होंगे तो वो आगे चल के दास ही बनेंगे, तो दास की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। तो यही था कि इसी को दास प्रजनन कहा गया। आई होप आप समझ गए होंगे क्या था दास प्रजनन में। तो दासों की संख्या बढ़ाने में ये वाला काम उन्होंने स्टार्ट अब करा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है दास श्रमिकों के साथ समस्याएं। अब जो दास है, दास इसे कहते हैं जो वो होते हैं गुलाम होते हैं, और श्रमिक किसे कहते हैं, श्रमिक कहते हैं मजदूर को। तो जो गुलाम और मजदूर होते थे उनके साथ क्या क्या समस्याएं उपलब्ध होती थी रोमन साम्राज्य में, उसके बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में है, रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। अब यहाँ पर क्या बता रखा है, बेसिकली यहाँ पर इस पॉइंट में ये कहा है कि रोमन साम्राज्य में क्या होता था, जो सरकारी जो भी काम होते थे ना, सरकार के काम या फिर सरकारी जो भी काम होते थे उन सरकारी काम के लिए किसको यूज़ किया जाता था, श्रमिकों का, यानी कि मजदूरों का यूज़ किया जाता था। अब श्रमिकों का क्यों यूज़ हो रहा है, दासों का यूज़ नहीं होता था, क्योंकि दास को अगर वो यूज़ करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर वो दासों का यूज़ करते थे, दासों का प्रयोग करते थे सरकारी काम करवाने के लिए, तो दासों को पूरे साल तक भोजन देना पड़ता था उनको, तो वो उनको बहुत महंगे पड़ते थे। लेकिन अगर श्रमिकों का वो प्रयोग करेंगे सरकारी काम करवाने के लिए तो उनको कोई भी भोजन नहीं देना पड़ेगा और वो उनको सस्ते भी पड़ते थे और उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ होता था अगर वो श्रमिकों का यूज़ करते। इसलिए दासों के साथ ये समस्या आ गई थी कि वो उनका प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि उनको वो भोजन देना पड़ता था, अगर प्रयोग करेंगे तो उनको पूरे वर्ष एक साल तक भोजन देना पड़ेगा, खाना वो भी मुफ्त में, तो वो इसलिए जो है खाना ना देना पड़े तो वो इसलिए जो है श्रमिकों का यूज़ करते थे सरकारी काम करवाने से और दासों का यूज़ नहीं करते थे। एक तो ये समस्या है। सेकंड है, भाड़े के मजदूर के विपरीत, यानी कि मजदूर जो हुआ करते थे वो भाड़े के हुआ करते थे, मतलब वेतनभोगी मजदूर किसे कहते हैं, जिनको हम काम करवाएंगे तो उनको पैसे भी देने पड़ेंगे, अगर वो पैसे देते हैं तो फिर भी उनको सस्ता पड़ता था, इसलिए वो वेतनभोगी मजदूर ही रखते थे, क्योंकि उनको पूरे साल तक अगर वो दास रखेंगे तो दासों को तो पूरे साल तक भोजन देना पड़ता था, खाना देना पड़ता था, तो उनको वो खाना नहीं देना पड़ेगा दासों को, तो इसलिए वो क्या करते थे, वो वेतनभोगी मजदूरों को रख लिया करते थे कोई भी काम करवाने के लिए। गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर, अब देखो वही बात आ गई जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो मजदूर थे वेतनभोगी मजदूर, जिसको भाड़े के जो मजदूर हुआ करते थे, जिनको काम करवाने के बदले पैसे दिया जाता था, तो उनको वो रखते थे क्योंकि उनको वो भी सस्ते ही पड़ते थे। गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर, जो गुलाम श्रमिक कौन होते हैं, गुलाम श्रमिक मतलब ये नहीं है जो मजदूर है, गुलाम श्रमिक का मतलब होता है जो दास हैं, ठीक है, जो दास हैं गुलाम हैं वो, उनको जो है वर्ष भर रखने के लिए उनको भोजन भी देना पड़ता था, तो उनके अन्य खर्चे भी और उनके अन्य खर्चे जो भी उनके खर्चे हैं, एक तो भोजन भी देने हैं दासों को रखेंगे तो भोजन भी देना पड़ता था पूरे साल, और उनके अन्य दासों के पूरे जो भी अलग से खर्चे भी हैं वो भी उठाने पड़ते थे, जिससे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। मतलब कि जो ये गुलाम हैं दास हैं इनको रखने की लागत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, उनको खाना भी दे रहे हैं पूरे साल, उनका खर्च भी उठा रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था, इसलिए वो दासों को नहीं रखते थे, गुलामों को नहीं रखते थे, इसलिए वो वेतनभोगी मजदूरों को अपने काम में लिया करते थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में है, वेतनभोगी मजदूर सस्ते ही तो पड़ते ही थे। अब जो वेतनभोगी मजदूर हैं जिनको वेतन दे रहे थे वो काम के बदले, तो वो उनको बहुत ज़्यादा सस्ते तो पड़ते ही थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा भी जा सकता था, मतलब अगर वो चाह रहे हैं तो उसको छोड़ भी सकते हैं कि तुम मत करो काम, और उनको अचानक से बुला भी सकते थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा उनके लिए बेनिफिट थे और उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदे के रूप में वो हुआ करते थे जो वेतनभोगी मजदूर थे, ठीक है।
दासों को रखेंगे तो बहुत महंगे पड़ते हैं दास उनको, और इसलिए वो दासों को नहीं रखते थे, वेतनभोगी मजदूरों को रखते थे क्योंकि वो उनको सस्ते भी पड़ते थे और वो वेतनभोगी मजदूरों को जब मन करे उनका तो वो भेज भी सकते थे और बुला भी सकते थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे वाला टॉपिक। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, जो कि है रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंधन की विशेषताएं। अब हमें ये पढ़ना है कि श्रम प्रबंधन क्या होता है। श्रम प्रबंधन मतलब कि मजदूरों का मैनेजमेंट, ठीक है। तो मजदूरों का किस तरह से प्रबंधन मैनेजमेंट होता था रोमन साम्राज्य में, उसके बारे में समझते हैं। उसकी कुछ विशेषताएं दे रखी है, 5 पॉइंट है, इसको समझते हैं और पढ़ते हैं। दास श्रम महंगा होने के कारण दासों को मुक्त किया जाने लगा। अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो दास थे उनको वो बहुत ज़्यादा उनको महंगे पड़ते थे तो वो दासों का यूज़ नहीं करते थे, और वेतनभोगी जो मजदूर हैं वो उनको सस्ते पड़ते थे तो उनका प्रयोग लेते थे कोई भी सरकारी काम करवाने के लिए, ठीक है। तो दासों का जब यूज़ नहीं हो रहा है ना, दास उनको महंगे पड़ रहे हैं, तो दास श्रम महंगा होने के कारण उनको क्या हुआ, दासों को मुक्त किया जाने लगा। हर जगह से दासों को मुक्त किया जाने लगा कि अब तुम जाओ, ठीक है, आप कुछ भी करो। अब इन दासों या मुक्त व्यक्तियों को व्यापार प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया जाने लगा, ठीक है। मालिक गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के पूंजी, यहाँ तक कि पूरा कारोबार सौंप देते थे। अब कुछ कुछ मालिक जो हुआ करते थे वो अपने जो उनके दास हुआ करते थे, यानी कि जो कुछ मालिक के जो गुलाम हुआ करते थे, वो मालिक क्या करते थे, अपना जो कारोबार था वो गुलामों को सौंप दिया करते थे कि तुम इसको चलाओ, ठीक है। पूरा कारोबार उनको ही सौंप दिया करते थे, अपना काम जो होता था दासों से करवा देते हैं। अब फोर्थ में क्या है, फोर्थ पॉइंट में मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। अब क्या होता था, अब श्रम विभाजन होता था। श्रम विभाजन किसे कहते हैं, डिविजन ऑफ लेबर को। अब कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम होता था तो ग्रुप में डिवाइड कर दिया करते थे, जैसे कि 100 हैं तो उनको 10 के अलग अलग ग्रुप बना दिया। तो कितने 10 ग्रुप बन गए, 10 के अलग अलग 10 जनों के तो 10 ग्रुप बन गए, अगर 100 उनके पास मजदूर हैं तो, ठीक है। तो ग्रुप बना दिया करते थे, तो उससे क्या होता था, ये वाला ग्रुप ये काम करेगा, ये वाला ग्रुप ये काम करेगा और ये वाला ग्रुप ये काम, सबको अपना अपना अलग अलग काम सौंप दिया करते थे ताकि वो आसानी से काम हो जाए। तो यही है, इसी को हम कहते हैं डिविजन ऑफ लेबर, यानी कि श्रम विभाजन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप याद रखिएगा, आपसे 11th में नहीं 12th में भी एंड बाकी अदर सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी बार आ जाता है, सोशियोलॉजी वगैरह में भी, कि श्रम विभाजन क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि कुछ बड़ा काम होता है, कोई बड़ा काम करने के लिए मजदूरों का डिवाइड कर देते हैं अलग अलग भागों में, उनका ग्रुप बना के उनको काम सौंप देते हैं कि तुम अलग अलग ग्रुप को ये काम करने हैं, ठीक है, ताकि वो आसानी से कोई बड़ा काम जल्दी से हो पाए, ठीक है। यह है श्रम विभाजन। तो यही होता था कि अलग कभी छोटे छोटे दलों में क्या करते थे, विभाजित कर दिया करते थे उनको, कोई इतने ज़्यादा बड़ा काम है और मजदूर भी ज़्यादा है तो उनको काम सौंप दिया करते थे, ठीक है। यही है फोर्थ पॉइंट में। और फिफ्थ पॉइंट में क्या है, श्रमिकों के लिए छोटे छोटे समूह बनाए गए जिससे ये पता लग सके कि कौन काम कर रहा है और काम चोरी, मतलब अब उनके ग्रुप भी बन गए, अब ग्रुप वाइज काम करवाने कि तुम ये वाला ग्रुप ये काम करेगा, ये वाला ग्रुप ये काम करेगा। और इससे क्या होता था, इससे उन पर बहुत ज़्यादा नज़र भी रखते थे वो लोग कि क्या करते थे, जो जिन्होंने ग्रुप बनाया तो वो ये करते थे कि उन पर बहुत ज़्यादा मजदूरों पर नज़र रखते थे कि भैया कोई जो सम्राट वम्राट राजा हैं वो नज़र भी रखवाते थे, किसके थ्रू नज़र रखवाते थे, कोई भी जो उनके राजा के वो होंगे चेले कह दो या फिर कुछ भी हो, वो उन पर नज़र रखवाते थे मजदूरों पर, श्रमिकों पर, कि कौन काम कर रहा है ढंग से और काम कौन नहीं कर रहा, कौन कौन काम चोरी कर रहा है, तो सबका पता लगा सकें और सबका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था कि कोई मजदूर काम चोरी ना करे, ऐसा ना हो कि कोई ऐसे बैठा हुआ काम नहीं कर रहा, तो सब पर नज़र रखवाई जाती थी कि कोई काम चोरी ना करे और सब ढंग से काम करा करें, ठीक है। तो यही है श्रम प्रबंधन में, आई होप आपको समझ आया हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अश्वारोही, यानी कि हम कह सकते हैं इक्वाइड्स, ठीक है। अश्वारोही से याद रखिए, अश्वारोही मैंने अभी आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि अश्वारोही कौन थे, जो नाइट हुआ करते थे और जो घुड़सवार हुआ करते थे, फिर मैंने आपको उसके बारे में बताया था। सबसे पहले मैंने आपको 4 कॉलम दिए थे, चारों कॉलम में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों अभिजात वर्ग हैं, मतलब ये अमीर वर्ग हुआ करता था और ये निम्न वर्ग, मतलब कि सबसे पहले थे सैनिक उसमें,
फिर सेकंड में अश्वारोही थे जो कि नाइट थे, और थर्ड में जो थे जो कि सर्कस वर्कस दिखाने वाले हुआ करते थे फूहड़, और फोर्थ में हमारे वही थे दास कृषक, ठीक है, जो कि मजदूर हुआ करते थे, ठीक है, वो थे। तो उसमें सेकंड जो था कॉलम उसमें यही थे अश्वारोही, आपको याद भी होगा। तो अश्वारोही इसके बारे में समझना है हमें, अश्वारोही कह लो या फिर नाइट कह लो, नाइट वर्ग होता था ये, ठीक है। तो नाइट वर्ग जो है वो परंपरागत रूप से दूसरी सबसे अधिक शक्तिशाली, अगर हम परंपरागत रूप से देखें तो ये दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली वर्ग हुआ करता था नाइट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि बहुत ज़्यादा अभिजात वर्ग हुआ करता था और ये अमीर भी हुआ करते थे, नाइट घुड़सवार होते थे, ठीक है, और धनवान समूह था, ये बहुत ज़्यादा धनवान हुआ करते थे, शक्तिशाली भी थे ना ये जो अश्वारोही थे या जो नाइट थे, कुछ भी कह लो, अश्वारोही कह लो या फिर नाइट कह लो, तो ये जो थे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे और धनवान यानी कि पैसा बहुत हुआ करता था इनके पास। मूल रूप से वो ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना से भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें इक्वाइट्स कहा जाता था। तो बेसिकली इसमें यही बता रखा है कि अश्वारोही और नाइट एक ही चीज़ है, और ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली वर्ग होता था, धनवान होते थे, इनके पास पैसा बहुत होता था, और ये ऐसे फैमिली से ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जहाँ पर संपत्ति बहुत होती थी, और उनकी संपत्ति कहाँ से मिलती थी, उन्हें घुड़सेना से भर्ती होने की जो औपचारिक योग्यता है, यानी कि घुड़सेना घोड़े होते थे इनके पास, घुड़सवार होते थे ये लोग, तो इनके इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इस काम की वजह से इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था, तो इसलिए ये धनवान हुआ करते थे, और इसीलिए इनको इक्वाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है, इक्वाइट्स भी इनको, अश्वारोही को, नाइट को इक्वाइट्स भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक आता है, जो कि इससे पहले वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा, जिसमें हमने अश्वारोही यानी कि नाइट्स के बारे में समझा कि वो कौन होते हैं, तो उससे ही वाला टॉपिक भी कोरिलेट करता है, यानी कि उसकी विशेषताएं के बारे में हमें समझना है कि क्या क्या विशेषता होती है नाइट की, अश्वारोही की, ठीक है। तो उसके बारे में तीन पॉइंट दे रखे हैं, इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सेनेट की तरह अधिकतर नाइट जमींदार होते थे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेनेटरो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सेनेटरो क्या होता है, सेनेटरो कह लो या फिर सेनेट कह लो, एक ही बात होती है। अब देखो सेनेट के जो सदस्य होते थे ना, उनको ही सेनेटरो कहा जाता था, सेनेटर या फिर सेनेटरो, ठीक है। तो फिर ये भी एक तरह से सेनेटी हुए। अब जो सेनेट होता था वो बहुत ज़्यादा उच्च वर्ग में आते थे, अभिजात वर्ग होते थे, ताकतवर होते थे, अमीर होते थे, ठीक है। तो उन्हीं की तरह जो नाइट होते थे वो भी उन्हीं की तरह जमींदार होते थे, अमीर होते थे और उच्च वर्ग में आते थे। तो नाइट भी एक अभिजात वर्ग ही है जो कि एक अमीर वर्ग है, और सेनेट की तरह ये भी जमींदार ही हुआ करते थे। अब जैसे कि सेनेट है, सेनेट के विपरीत यानी कि सेनेट के अगर हम बात करें विपरीत, तो उनमें सेनेट के जो कई लोग होते थे वो जहाज़ों के मालिक भी हुआ करते थे। मतलब ये जो जहाज़ों के मालिक हैं ये सब उस ज़माने में बहुत ज़्यादा ऊँचे वाले लोग हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो है ज़्यादातर लोगों का हमने पढ़ा कि व्यापार जो क्या था, दास ही थे, ज़्यादातर लोग मजदूर वगैरह और श्रमिक वगैरह ही हुआ करते थे, और जो जहाज़ों के मालिक वगैरह व्यापारी हुआ करते थे, बैंकर हुआ करते थे, साहूकार हुआ करते थे, तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऊंचा माना जाता था उस टाइम पर कि ये तो इतना अच्छा काम करते हैं, ये तो अमीर वर्ग से हैं, तो ये वाले काम जो है काफ़ी ज़्यादा मान्यता थी इन कामों की। तो जो सेनेट थे, सेनेट के जो कुछ लोग थे वो यही वाले काम करते थे, मालिक हुआ करते थे, व्यापारी थे, बैंकर भी होते थे, ठीक है। यानी वे व्यापारिक कार्यकलापों में भी, जो व्यापार के कार्यकलाप हैं, व्यापार के जो भी काम हैं, उसमें भी वो इन्वॉल्व होते थे, संलग्न रहते थे, ठीक है। तो यही है सेकेंड पॉइंट में। थर्ड में क्या है, इन्हें जनता का सामान्य वर्ग माना जाता था, किन्हें, अश्वारोही को यानी कि नाइट को, नाइट को क्या माना जाता था कि ये जनता का सामान्य वर्ग यानी कि नॉर्मल वाला जो वर्ग है ना वो माना जाता था, जिनका संबंध महान घरानों से होता था। मतलब इनको, नाइट को ये तो माना जाता था कि जो जनता का सामान्य वर्ग है, नॉर्मल लोग, नॉर्मल वाले जो लोग होते हैं उनका ही वर्ग है, ये उनके ही लोग हैं। लेकिन कौन से वाले उनके लोग, उनके वाले वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, जो कि बहुत महान घरानों से होते हैं, बड़े बड़े घर से होते हैं, वो माना जाता था इनको। तो यही है इस पॉइंट में भी कि सामान्य वर्ग तो होता था, लेकिन वो भी जो वो सामान्य वर्ग जो कि महान घरानों से, ऊंचे ऊंचे फैमिली से बिलोंग करता था, तो वो वाला घर इनको माना जाता था, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे पूरा चैप्टर। एंड हर चैप्टर के बाद मैं जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी अपलोड करती हूँ, तो इस चैप्टर के भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अपलोड करूँगी। तो हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है पार्ट टू में ही, आई होप आपको समझ भी आया हो अच्छे से। सो अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला तो प्लीज़ लाइक करिए एंड अपना कमेंट
कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दिया करिए, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको कितना समाज आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए एंड कमेंट करके बताइए, एंड अगर कोई डाउट है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।